तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इडाटन जंप की वीडियो में। तो आज जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ वो यार अभी तक किसी ने भी नहीं डाली होगी, क्योंकि वो है इडाटन जंप की बैक स्टोरी पर। आखिरकार इडाटन जंप का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से ये करेक्टर्स आए और तकाशी यामाटो बुरा कैसे हुआ, तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ एक्स जोन के बारे में। तो एक्स जोन और अर्थ दोनों अलग अलग डायमेंशन है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। और एक्स जोन और अर्थ को जो कंट्रोल करती है इडाटन बाइक वो है एम्पीरियल एक्स। और आप सबको पता है एम्पीरियल एक्स कितनी पावरफुल इडाटन बाइक है। तो तकाशी यामाटो से स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी। तो तकाशी यामाटो बड़े हुए एक्स जोन में। तो तकाशी यामाटो और उसका एक फ्रेंड था किंग, जो किंग है वहाँ का एक्स जोन का, वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और एक बार की बात है कि एक्स जोन में काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज आने लग गई और इम्पीरियल एक्स में कुछ खराबी आ गई थी। तो इम्पीरियल एक्स में खराबी आना बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इम्पीरियल एक्स ही एक्स जोन और अर्थ को कंट्रोल करती है, दोनों डायमेंशन को। तो जब तकाशी यामाटो इम्पीरियल एक्स के पास पहुंचता है तो तकाशी यामाटो फिर अपने आप को कुछ नेगेटिव एनर्जी से सराउंडेड पाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तब वो एक नए एनवायरनमेंट में होता है और उसने ऐसी दुनिया कभी नहीं देखी होती, क्योंकि वो होता है अर्थ। और अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करेगा। और अब तकाशी यामाटो को ये भी पता चल जाता है कि अब कोई रास्ता नहीं है वापस जाने का एक्स जोन में। तो अर्थ पर रहते रहते तकाशी यामाटो को प्यार हो जाता है मासूमी से, और मासूमी और तकाशी यामाटो दोनों शादी कर लेते हैं, जिससे जन्म होता है आयुमू और शो यामाटो का। शो यामाटो और आयुमू के बारे में मेरे को कोई बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिन जिन लोगों ने इडाटन जंप देखा है तो यार वो मेन करेक्टर है शो यामाटो, और उसका भाई जो है सपोर्टिंग करेक्टर है इस सीरीज़ में, तो उनके बारे में मैं तो बता नहीं सकता। तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी पर। तो आगे जाके तकाशी यामाटो जब हमेशा की तरह बाइकिंग कर रहा होता है, जब शो छोटा होता है और आयुमू को शायद तब जन्म नहीं हुआ होता, क्योंकि शायद उसने देखा नहीं होता है, मेरे को लग रहा है सीरीज़ में ऐसा बोलता है आयुमू कि अभी तक उसने पापा को नहीं देखा। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो तकाशी यामाटो होता है वो बाइकिंग कर ही रहा होता है और वो एक क्लिफ पर होता है, यानी कि एक चट्टान पर। तो वो चट्टान टूट जाती है और तकाशी यामाटो गिर जाता है नीचे, और इस बार वो पहुँच जाता है एक्स जोन में। तो एक्स जोन का जो टाइम होता है वो काफ़ी जल्दी बीतता है अर्थ से, और जो किंग होता है वहाँ का वो अब यहाँ पर बुढ़ा हो गया होता है और तकाशी यामाटो को देखकर बहुत खुश होता है। तो तकाशी यामाटो अपना सीक्रेट सिर्फ किंग को बताता है और फिर से जाता है इम्पीरियल एक्स के पास, वही जो पुरानी गड़बड़ी हो रही थी इम्पीरियल एक्स में वही सही करने के लिए, क्योंकि अभी तक सही नहीं हुई होती है, क्योंकि तकाशी यामाटो बहुत अच्छे इडाटन राइडर थे और बाइक्स के स्पेशलिस्ट थे। तो इस बार जब वो जाते हैं तो इस बार कुछ भी नहीं होता और वो इम्पीरियल एक्स को बिल्कुल सही कर देते हैं, और अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसके पास नहीं होती। ऐसे ही वो रोज़ डेली चेक करता रहते थे और शो को भी याद करते रहते थे कि उनका बेटा, और अपनी पत्नी को भी याद करते रहते थे। एक्स जोन में भी किसी को इम्पीरियल एक्स की देखभाल के लिए रहना था तो वो वहीं पर रुकते हैं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर टिकती नहीं है। हमेशा की तरह तकाशी यामाटो फिर से इम्पीरियल एक्स के पास जा रहे होते हैं और इस बार उनकी बॉडी को एक एंशियंट ईवल स्पिरिट पोजेस कर लेती है, और ईवल स्पिरिट से पोजेस्ड होने के बाद अब वो अपने आप को खो देते हैं और वो ईवल स्पिरिट उनकी बॉडी पर राज करती है और एक्स जोन पर हुकूमत लाना चाहती है अपनी। तो यहाँ तक तो ये स्टोरी थी, बैक स्टोरी हमारी। और इसके बाद हम सबको पता है फर्स्ट एपिसोड से शो यामाटो बड़ा हो जाता है, फिर वो वापस एक्स जोन में पहुँच जाता है, और लास्ट में तकाशी यामाटो और शो की इडाटन रेस होती है। तो यहीं तक थी बैक स्टोरी, मतलब ये वो स्टोरी थी जो फर्स्ट एपिसोड से पहले की है, पास्ट स्टोरी, मतलब तकाशी यामाटो बुरे कैसे हुए। और यार एंशियंट ईवल स्पिरिट के बारे में ज़्यादा नहीं बता रखा कि वो कौन सी स्पिरिट थी, बस ये बता रखा कि एक ईवल स्पिरिट थी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगली वीडियो आएगी 25 को, स्टे ट्यून्ड, और एक स्पेशल वीडियो आएगी। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।